हाँ जी अन असूया, असूया माने राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, असूया माने ईर्ष्या द्वेष। कोई आदमी को दो पत्नियां, तीन पत्नियां, चार पत्नियां होती हैं, तो आपस में क्या करती है? ईर्ष्या द्वेष। तो वो सब हो गई ईर्ष्या द्वेष वाली। जिनमें इम्प्योरिटी होती है, अपवित्र रहने की ललक होती है, विकार भोगने की ललक होती है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करती होंगी। अनसुईया में तो ईर्ष्या द्वेष की ललक है ही नहीं, विकार भोगने की ललक है ही नहीं, इसलिए वो परम पवित्र है। संसार की श्रेष्ठ नारी प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं श्रेष्ठ माने जाते हैं, और उनकी तीन देवियां, तीन सहचरी श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु उन तीन सहचरियों को भी किसके सामने झुकना पड़ता है? अनसुईया के सामने झुकना पड़ता है। क्यों? जो अपवित्र होते हैं उनको पवित्र के सामने माथा टेकना पड़ता है। जैसे घर में बहू होती है तो बहू किसके सामने माथा टेकती है? सास के सामने। और सास ने भी किसके सामने माथा टेका होगा? दादी अम्मा के सामने। दादी अम्मा के भी ऊपर परदादी हुई होगी। जो नई नई पैदाइश होती है वो ज्यादा विकारी होती है, या जो पुराने पुराने हैं वो ज्यादा विकारी हुए हैं? ज्यादा विकार किसमें होते हैं? नई जनरेशन में होते हैं या पुराने में होते हैं? नई जनरेशन में होते हैं। तो अनसुईया हो गई परदादी। क्या हो गई? परदादी। और हाँ जी जोर से बोलो हैं? उसको परदादी चीज के लिए बोल रहे हैं। भगवान ने कौन सी नगरी स्थापन की? काशी का मतलब क्या है? काशी को जीने वाले, तेज को। काश्य माने तेज, तेज कहते हैं याद का तेज। प्योरिटी कैसे आती है? योग से आती है या भोग से आती है? हमारी आत्मा पवित्र बनेगी कि अपवित्र ही बनी रहेगी? पवित्र बनेगी। तो पवित्र कैसे बनेगी? योग से पवित्र बनेगी। योग माने प्यार, इसलिए। तो भगवान ने आकर के जिस नगरी की स्थापना की वो योग शक्ति से तैयार हुई, इसलिए पवित्र, परम पवित्र नगरी कही जाती है। उसके लिए गायन है कि जो काशी में जाके मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। चाहे गली बाबा उसने अच्छे कर्म ना किए तो मत हो गई।
अच्छे कर्म किए होंगे तभी जाके मरेगा। कुछ लोग वहाँ रहते हैं काफी में, रहते हैं तो उनको कुछ पूर्व जन्म के, वो भक्ति मार्ग की काशी की बात है या ज्ञान मार्ग की काशी की बात है? है वहाँ तो सब जाके, तो सब कोई जाके घर बना के रहने लग पड़ेगा। और कि पापों में पाप बढ़ाकर बच्चों पर रहम करने के लिए बाप आए हैं। तो बाबा ऐसा कौन सा पाप है जो बच्चों पर रहम हो जाता है? पाप बढ़ाना और पाप घटाना, ये निराकार बाप का काम है या मनुष्य सृष्टि के बाप का काम है? है पाप बढ़ाना ये निराकार बाप का काम है? है नहीं, कौन से बाप का काम हो सकता है? है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो बड़े से बड़ा पापी भी हो सकता है और बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी हो सकता है। वो सृष्टि का नरक बनाने का कारण भी बन जाता है और सृष्टि को स्वर्ग बनाने का भी कारण बन जाता है। जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो सृष्टि को स्वर्ग बनाने का बीज बन जाता है और जब रावण प्रवेश करता है द्वापर से तो सृष्टि को नरक बनाने का कारण बन जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा पापी और बड़े से बड़ा पुण्यात्मा कौन हुआ? है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो ही बड़े से बड़ा पापी हुआ, भाई बड़े से बड़ा पाप पुण्यात्मा हुआ। तो बाप में ज्यादा शक्ति है या बच्चों में ज्यादा शक्ति है? विनाश काहे से होता है और स्थापना काय से होती है? है प्योरिटी से होती है स्थापना। तो बाप की जो पहली पहली रचना है माता, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, बाप है बीज, माता है पहली पहली रचना। तो स्वर्ग कौन बनाता है? स्वर्ग बनाने के निमित्त तो कौन बनता है, रचना या बाप? अरे स्थापना कैसे होती है? प्योरिटी से स्थापना होती है। प्योरिटी पुरुषों में होती है या कन्याओं माताओं में होती है? कन्या माता हूं, प्योरिटी होती है पुरुष, सारे ही दुर्योधन दुशासन। तो बाप भी किस लिस्ट में आ गया, कौन सी लिस्ट में आ गया? है दुर्योधन दुशासनों की लिस्ट में आ गया। तो स्थापना का काम तो कर नहीं सकता,
कर सकता है नहीं कर सकता। और दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म पिता नहीं हुआ जो पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी दुनिया का विनाश कर सका हो। कोई हुआ है? नहीं हुआ। अपने अपने धर्म की स्थापना करते आए, पुराने धर्म भी चलते चले आए। तो न स्वर्ग स्थापन हुआ न पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, और ही दुनिया नरक बनती चली गई। क्योंकि स्वर्ग दुनिया में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब पुरानी दुनिया का विनाश हो, और वो विनाश का कार्य कोई भी बच्चे बड़े से बड़े पावरफुल धर्म पिताएं ही क्यों न हुए हो वो नहीं कर सके। तो वो काम कौन करता है? बाप ही करता है। इसलिए बोला कि पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने बच्चों पर आए हैं। बच्चे विकारी तो बनते हैं लेकिन इतने विकारी नहीं बन पाते जो अति क्या अंत हो जाए। इसलिए बाप ही ये रहम कर देते हैं, चलो तुम तो नहीं कर पाते हो तो हम ही ये काम पूरा कर देते हैं। दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया स्वर्ग संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि नई दुनिया में होते हैं थोड़े और पुरानी दुनिया में होते हैं ढेर के ढेर। तो जब तक ढेर के द्वारा जो वातावरण खराब हो रहा है उनका जब तक विनाश नहीं होता है तब तक श्रेष्ठ देवताओं की दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए ये काम बाप को ही करना पड़ता है। और शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो ये तांडव नृत्य कब करते हैं? उनके तांडव नृत्य करने से क्या होता है? विनाश होता है। एक टांग से करते हैं कि दोनों टांगों से करते हैं? है? वो निवृत्ति मार्ग की टांग हुई या प्रवृत्ति मार्ग की टांग हुई? निवृत्ति की टांग हुई। प्रवृत्ति में है तो माता गुरु उनको सुमहा संभाल लेती है, माता गुरु ने संभाला क्या? क्या कर दिया? जब एक टांग से डांस करते हैं तो विनाश हो जाता है। ताड का अर्थ क्या है? ताड़ माने ताड़ना, ताड़ना माने प्रताड़ना, डंडा मारना, मारपीट करना। तो कौन सा डंडा मारने का काम करते हैं? है रावण को कौन सी ताड़ना की? बाण भी तो डंडे ही होते हैं, तो ज्ञान बाण की ताड़ना है।
क्या पूछना चाहते हैं? किसका है ये? आदि में राम फेल हुआ, आदि सो अंत, अंत के समय में राम बाप कैसे फेल होंगे? अगर फेल होंगे तो लक्ष्मीनारायण कैसे बनेंगे? अरे आदि में राम बाप फेल हुआ तो फेल होने का कोई कारण बना? क्या कारण बना? ज्ञान अधूरा था, और अंत में ज्ञान अधूरा होगा या संपूर्ण होगा? तो संपूर्ण ज्ञान होगा तो फेल होगा है? फेल होगा या दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ, आदि में फेल हुआ, लेकिन आदि में जो फेल हुआ उसका कारण क्या था? अधूरा ज्ञान था, और अब अंत में ज्ञान तो संपूर्ण है। राम वाली आत्मा से ज्यादा ज्ञान कोई में है? नहीं, कोई में नहीं होगा। परंतु अंत में फेल तो होता है, फेल तो होता है, लेकिन जो अज्ञानी है उनको फेल हुआ दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है तो माया साहब को फेल कर देती है। फाइनल पेपर में कोई भी बचता नहीं है, सब फेल हो जाते हैं। तो देखने में आना बात अलग है, बात कुछ और है और देखने में कुछ और आती है। राम जब रावण बनेगा तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो बाबा के अंत में राम रावण बनेंगे तो कैसे बनेंगे? रावण का काम क्या है? रुलाना। जो हारता है वो रोता है या जो जीतता है वो रोता है? फाइनल पेपर जब होगा, रिजल्ट निकलेगा, तो 100% पास कौन होगा और उसके मुकाबले फेल कौन हो जाएंगे? एक तो पास होगा और उसके मुकाबले बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो जो फेल हुए वो रोएंगे कि हमारा पद नीचा हो गया, या हंसेंगे तो रोना हो गया। तो अंत में राम ही रावण बन जाता है। सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त कौन बनता है? एक ही बनता है, जिसके लिए गीता में भी लिखा है कि जो संपूर्ण आत्मनिष्ठ है वो सारी दुनिया का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता। लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में कहेंगे तो इनका पूर्व जन्म कब से कहेंगे? कब से कहेंगे? ब्रह्मा को नर कहेंगे या नारायण कहेंगे?
क्या कहेंगे? नर कहेंगे। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो जो नारायण बनता है, नारायण बनने से पहले पूर्व जन्म में क्या हुआ? नर था। उस नर का नाम क्या हुआ? कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। ये पूर्व जन्म का नाम हुआ। सतयुग में पक्षियों रूपी विमान होंगे या नहीं? रूपी क्या, पक्षी ही विमान होंगे, इसलिए शास्त्रों में जो विमान दिखाए गए हैं उनका आकार कैसा दिखाते हैं? पक्षियों जैसा आकार दिखाते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि धरी रहती खाने पीने लैटरिन में। बाबा सतयुग में खाएंगे पिएंगे तो लैटरिन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो, लेकिन अंतर भी कुछ होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? यहाँ जितने भी इंद्रियां हैं और उनके जितने भी छिद्र हैं, उनमें से बदबू निकलती है या खुशबू निकलती है? बदबू ही बदबू निकलती है। और वहां वहां खुशबू ही खुशबू निकलेगी। यहाँ इंद्रियां बहुत भोगी हैं कि योगी हैं? भोगी हैं। और वहां इंद्रियां योगी उक्त स्टेज में होंगी, इसलिए खुशबूदार होंगी। ज्यादा खाएंगे भी नहीं तो ज्यादा उगलेंगे भी नहीं। ये काशी करवट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में काशी नगरी में एक कुआ दिखाया गया था, उसमें नीचे खांडा लगा हुआ रहता था, ऊपर एक एंगल बना रहता था, उस एंगल में से ऊपर के कूदते थे तो खांडे पे गिर के सर खप हो जाता था, कट जाता था। उसकी भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि जो काशी करवट खावेंगे उनके पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा ने भी ऐसे ही कहा है कि जो मेरे पर अर्पण होते हैं उनके पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन पाप भस्म होने के बाद वो आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं या मुक्तिधाम चली जाती है? है? उनका दोबारा जन्म होता है। दोबारा जब जन्म लेती हैं तो और तेजी से पाप करने लग पड़ती है। वो यहां होता है क्योंकि जो भी अर्पण होते हैं वो संपूर्ण ज्ञानी अर्पण होते हैं या अधूरे ज्ञानी होते हैं? है? बाप को पूरा पहचान करके अर्पण होते हैं या अधूरा पहचान के अर्पण होते हैं? पूरा पहचान के अर्पण होते हैं, फिर संशय तो नहीं आना चाहिए। जो पूरा पहचान के अर्पण होगा उसको संशय आएगा कि नहीं आएगा? है? संशय तो नहीं आना चाहिए, लेकिन संशय आता है या नहीं आता है? है? संशय तो आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे काशी नगरी में जो कुआ था अंधेरे में कूदते थे, क्या अंधेरे में कूदते थे या अंदर दिखाई पड़ता था सब कुछ?
अंधेरे में कूदते थे। तो यहाँ भी जो भी अर्पण होते हैं वो संपूर्ण ज्ञानी बन करके अर्पण होते हैं या अधूरे ज्ञानी होते हैं? अधूरे ज्ञानी होते, कुछ न कुछ अंधकार रहता जरूर है। तो पूर्वजन के पाप तो उनके सब खलास हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर सच्चम सच्च अर्पण हुए। परंतु फिर क्या होता है कि दोबारा जब जन्म लेते हैं, दोबारा निश्चय बैठता है, अनिश्चय होने के बाद निश्चय, अनिश्चय, ये तो चक्र चलता है ना। तो फिर पाप कर्म करते हैं। ज्ञान में आने के बाद जो पाप कर्म करते हैं, बाप को पहचान कर पाप कर्म करते हैं, दुनिया में ढोल पीटने के बाद पाप कर्म करते हैं कि भगवान आया हुआ है, फिर भी पाप करते हैं, तो कितना गुणा बोझ चढ़ता है? 100 गुना। तो और ज्यादा पापी हुए कि कम पापी हुए? और ज्यादा पाप होते हैं। तो उसके लिए कहा गया है काशी करवट खाना। पांडवों का गायन है कि जहां भी तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हो गई। तो ज्ञान का तीर धरणी में मारने की बात है। कन्याओं माताओं को क्या कहा जाता है? धरणी कहा जाता है। हाँ, वो धरणी उत्तर भारत की भी हो सकती है और वो धरणी दक्षिण भारत की भी हो सकती है। उत्तर भारत की धरणी में तीर मारा तो गंगा निकली, ज्ञान की गंगाएं निकल आती है। नंबर वार तो कोई कन्या माता को ज्ञान का तीर लगा होगा, ज्ञान का तीर लगा तो ज्ञान गंगा प्रकट हो गई। हस्तिनापुर का क्या अर्थ है? हस्ती माने क्या? हस्ती माने हाथी, अपुर माने क्या? गांव, शहर। तो किसका पुर हुआ? हाथियों का पुर। हस्तिनापुर में कौन रहते थे? है कौरव रहते थे, तो हाथी रूपी महारथियों का पुर हो गया। उसका नाम रख दिया हस्तिनापुर। देह अभिमानी थे या आत्माभिमानी थे? देह अभिमानी थे। पंचवर्षीय योजना का यादगार क्या है? पंचवर्षीय योजना माने 5 वर्ष की योजना। वास्तव में भगवान आकर के असली 5 वर्ष की योजना बनाते हैं। और एक बार बनाते हैं कि बार बार बनाते हैं? एक बार बनाते हैं। एक बार में ही वो 5 वर्ष की योजना सफल हो जाती है। क्या है पंचवर्षीय योजना भगवान की, जो एक बार में ही सफल हो जाती है? बैगर टू प्रिंस बनाने की योजना।
सन 77 है संपूर्णता वर्ष, उस संपूर्णता वर्ष के बाद वो बैगल टू प्रिंस बनने की योजना शुरू होती है। अठहत्तर, उनासी, अस्सी, इक्यासी, बयासी, ये 5 साल में बैगल बदल करके क्या बन जाता है? ऐसा प्रिंस बन जाता है जिसको गली गली भीख मांगने की दरकार नहीं पड़ती। प्रिंस अपने बाप के घर में बैठेगा या गली गली भीख मांगेगा? बाप के घर में बैठेगा। बैठे बैठाए परवरिश होगी, बाप परवरिश करेगा या परवरिश करने के लिए कोई धंधा पानी करना पड़ेगा? बाप परवरिश करता है। नहीं समझ में आया है? समझ में नहीं आया? आया। वो पंचवर्षीय योजना सरकार भी बनाती है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, लेकिन उनकी योजनाएं हर 5 वर्ष के बाद फिर बनती रहती है और वो योजनाएं उनकी कभी पूरी नहीं होती है। बाप की योजना एक बार में ही पूरी हो जाती है। एक मुरली में कहा है कि स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, और दूसरी मुरली में कहा है स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं। तो ये दोनों बातें कैसे? त्रेता को स्वर्ग कहेंगे या नहीं कहेंगे? और सत्यु के अंतिम जन्म को स्वर्ग कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके लिए बोला मासी का घर नहीं है स्वर्ग में जाना, वो है संगम युगी स्वर्ग। जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होता है, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की स्थापना करता हूं, ऐसे स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं है। एक वार्तालाप में कहा है कि स्थापना करना, जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है। तो विनाश तो शंकर का काम है, लेकिन प्रैक्टिकल में शंकर विनाश करता है या शक्तियां असुर संहार का कार्य करती हैं? प्रैक्टिकल में कौन करता है? है? शक्तियां असुर संहार का कार्य करती हैं। शंकर प्रैक्टिकल में नहीं करता है। शंकर तो सिर्फ है निमित्त मात्र है ज्ञान सुनाने के लिए। तो ज्ञान से होती है बुद्धि में स्थापना, नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में खींचता है। वही पुरानी दुनिया के विनाश का नक्शा शक्तियों की बुद्धि में खींचता है। तो विनाश का नक्शा खिंचाने के निमित्त कौन बनता है? है? शंकर द्वारा विनाश, प्रेरणा देने के निमित्त बन जाता है शक्तियों को।
बाबा विनाश कैसे होगा, स्थापना कैसे होती है, पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। ये कभी नहीं कहेंगे कि महागौरी के द्वारा स्थापना नहीं होती है, विनाश होता है। विनाश महाकाली के द्वारा होता है या महागौरी के द्वारा होता है? महाकाली के द्वारा विनाश होता है, गौरी के द्वारा स्थापना होती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। पूर्णिमा और पूर्णमासी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। उसका नाम है पूर्णिमा माने पूरी पूरी अम्मा। कौन है हमारी अम्मा? ब्रह्मा जगदम्बा। जब वो संपूर्ण बन जाए तो पूर्णमासी हो जाती है। अरे माया मासी भी कभी पूर्ण होगी या पूर्ण ही रहेगी? हैं? वो भी पूर्ण बनेगी, वो भी बाप की बच्ची है। ब्रह्मा भी पूर्ण होगा, वो भी बाप का बच्चा है। तो वो टाइम लिमिट बताई पूर्णमासी, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। जब राम वाली आत्मा 18 में नारायण बन जाती है तो ये गायन किस समय का है? कि एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। विनाश हद में ही होता है या बेहद में भी होता है? पहले सूक्ष्म विनाश होगा या पहले स्थूल विनाश होगा? पहले सूक्ष्म विनाश होगा। वो सूक्ष्म विनाश 18 से पहले होगा या बाद में होगा? 18 से पहले होगा। चारों ओर ज्ञान ही जल फैल जाएगा। वो ज्ञान जल मटमैला होगा कि शुद्ध जल होगा? हैं? कैसा होगा? कौन से जल में दुनिया बोड़म बोड़ करने लग पड़ेगी? मटमैले ज्ञान जल में दुनिया डूबेगी या शुद्ध ज्ञान जल में डूबेगी? हैं? मटमैले ज्ञान जल में डूबोड़म बोड़ हो जाएगी। एक ही जिंदा बचेगा ज्ञान में और बाकी सब अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। उसका नाम ही है महाशिवरात्रि। ऐसी शिवरात्रि जिसमें सब अंधकार में डूब जाए। बाकी स्थूल विनाश तो बाद में होगा। जब स्थूल रूप में जल प्रलय होएगी सारी दुनिया में, वो आत्मा संपन्न बन गई। राम रावण बनता है अंत में या आदि में?
है, तो अंत में रावण बनेगा तो रावण दूसरों को रुलाएगा तो खुद नहीं रोएगा है। जो दूसरों को रुलाने वाला है वो खुद रोएगा कि नहीं रोएगा है। आंख में आंसू मोह से आते हैं या निर्मोही बनने पर आते हैं? मोह से आते हैं। महाकाली दो बताई है, महाकाली दो हैं, हैं? दो तो कभी नहीं बताई। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुओं का स्थान कौन सा है, है? हिंदुओं का स्थान कौन सा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान दूसरों का नाम रखा हुआ है या हमने नाम रखा है? ये तो विदेशियों ने नाम रखा है हिंदुस्तान। हमारा नाम वास्तव में क्या है? भारत। तो सारे जहां से कौन सा देश अच्छा? भारत अच्छा। हम कहां के वासी हैं? हम भारतवासी हैं। हम माने कौन? हम माने देह या हम माने आत्मा? हम माने आत्मा। आत्मा माने मन बुद्धि। तो हमारी मन बुद्धि कहां धरी रहती है? जो भारत का पाठधारी है उसमें हमारी बुद्धि धरी रहती है। तो हम कहां के वासी हुए? हम भारतवासी हुए। और बाबा द्रौपदी पांच है, द्रौपदी को क्या हुआ? पांच पतियों के भी दुख पाई। पांच पतियों भी तो पांच और कर लेती पांच पति करेंगे तो दुख पाएगी कि सुख पाएगी है? क्या पाएगी है? अरे सीता श्रीमत की लीका का तोड़ताड़ करेगी तो दुख पाएगी कि सुख पाएगी? दुख पाएगी। और दिखाया है वास्तव में थोड़ी थी पांच पति। अभी घर घर में वैश्याएं बैठी हुई हैं, घर घर में वैश्यालय है या शिवालय है? तो पांडवों की पत्नी बताइए। अभी घर घर में वैश्यालय है या नहीं है? तो कितने पति किए होंगे? अरे आंखें विविचारी बनती हैं कि नहीं? तो अभी की बातें हैं ना सब। इंद्रियां हो या आंखें हो, कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, अगर विविचारी बनी है तो अनेक पति हुए या एक पति हुआ? पुराने जमाने में तो यही समझते थे कि मन से भी किसी एक आदमी को वर्ण कर लिया तो जिंदगी भर हम उसी की बन करके रहेंगे। अरे मन से संकल्प में आने की बात तो दूर, सपने में भी अगर किसी आदमी को देख लिया तो भी क्या विरुद्ध लेके बैठ जाती थी कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। कहां वो जमाना और कहां आज का जमाना। तो ये द्रौपदी और दुशासनों की दुनिया है। एक द्रौपदी की बात है या सभी की बात है? है
सभी की बात है। बाबा ये पशु पक्षियों की जो आत्मा होती है वो भी पुनर्जन्म में आती है? पशु पक्षियों की आत्मा है ये भी पुनर्जन्म में आती है? क्यों, इनसे पाप कर्म नहीं लगता है? इनकी जनसंख्या कैसे कम हो गई? जनसंख्या कम कहाँ हो रही है, इनकी बढ़ रही है। गाय है, गाय है, गाय तो चौपाया है, जैसे चार पशुओं चार पांव वाले जो जानवर होते हैं उनकी संख्या दुनिया में बढ़ रही है कि घट रही है? चार पांव वाले। अरे गाय नहीं बनेंगे तो शेर बन जाएंगे, शेर नहीं बनेंगे तो ऊंट बन जाएंगे, ऊंट नहीं बनेंगे तो गधा बन जाएंगे। किसी जंगल में जितने भी घोड़े थे आग लगी तो सब मर गए, एक घोड़ा बच गया। अब वो जो एक घोड़ा बच गया वो दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा? है, रहेगा ना, कि नापैद हो जाएगा? और उसका संसर्ग संपर्क किसी दूसरे चौपाये से हो गया तो चार पांव वाली नई जनरेशन पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पैदा हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि पहले कौन से वो जानवर थे बड़े बड़े, डायनासोर, उनकी हड्डियां मिली, इसे साबित है कि हाँ थे तो जरूर। तो कोई जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, कोई एक फीमेल या मेल बच गया। और उसका संसर्ग संपर्क किसी घड़ियाल से हो गया तो नई जनरेशन पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो गई। तो ऐसे ही है, ये चौपाइयों की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। कीड़े मकोड़ों की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। मनुष्यों की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। हाँ ये है कि देवताएं जो हाथ पांव वाले थे वो देवताएं नहीं रहे, अब हैं तो हाथ पांव वाले मनुष्य, तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। बाबा आजकल गाय रोटी नहीं खाती है, कचरा बिस्टा ये खाती दौड़ती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में गाय कचरा बचड़ा खाती है कि नहीं खाती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो कचरा खाती है कि नहीं खाती है? देह अभिमान को कचरा कहा जाता है, बेविचार को कचरा कहा जाता है। भगवान तो आया हुआ है, है? तो भगवान का संग करना चाहिए या कचरे का संग करना चाहिए? भगवान का संग करना चाहिए। गाय रोटी क्यों नहीं खाएगी इस समय? रोटी मिलेगी तो रोटी खाएंगी, रोटियां देने जाओ सुन सुन कर देती हैं। उनको रोटी मिलेगी तो रोटी खाएंगी, रोटी मिलती नहीं तो क्या करेंगी, कचरा ही खाएंगी। और है क्या कह रही हूँ सुनो उनकी। सौ परसेंट ब्याज कौन है? सौ परसेंट ब्याज वही है जो 100% विष्णु बनता है। ब्यास माने बैठना, वी माने विशेष, आस माने बैठना, जो विशेष रूप से बैठ गया दुनिया को गड्ढे में ले जाने के लिए शास्त्र बनाए दिए, दुनिया को गड्ढे में ले गया, अब त्रिमूर्ति में विशेष रूप से खड़ा हो गया, वो कौन है? विष्णु। तो कौन सी आत्मा हुई जो अव्वल नंबर का विष्णु बनती है? अरे नाम क्या है? विष्णु के तो चार हाथ पांव हैं, चार भुजाएं हैं, उन भुजाओं के नाम भी हैं कुछ? चार सहयोगी भुजाएं हैं।
नाम क्या है उनके? जगदम्बा, लक्ष्मी और ब्रह्मा सरस्वती। और उनको चलाने वाला तो पहला विष्णु कौन हुआ? वो है खड़ा। वो खड़ा भी हो जाता है तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है। वो पड़ जाता है, बैठ जाता है थक करके, तो दुनिया नरक बन जाती है। और चार धाम बनाए हैं, चार दिशाओं के दिग्पाल हैं, चार धर्म हैं मुख्य है। उन चारों मुख्य धर्मों की चार दिशाओं की पालना करने वाले हैं। शंकराचार्य आए तो भारत की चारों दिशाओं में उन्होंने चार मठ पद स्थापन कर दिए, वो यादगार बने हुए हैं। और ओम शांति।